हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं देखिए करेला की सब्जी बनाने जा रही हूँ। देखिए, मैं अच्छे से धो ली हूँ और धोकर मैंने सुखा लिया है। करेले को मैंने लिया है 300 ग्राम और प्याज को लिया है 250 ग्राम, यानी 3 प्याज ले रखी है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कमेंट के साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चलिए, आज की वीडियो मैं शुरू करती हूँ। देखिए, अब पहले जा रही हूँ मैं, इसको इसमें काटूंगी, ऐसे इधर का काट लूंगी थोड़ा सा और थोड़ा सा इधर का काट लूंगी और ऐसे गोल गोल पीसेस काट लूंगी। ऐसे सारी करेले काट लूंगी। देखिए दोस्तों, करेला सारा गोल पीसेस में कट चुका है। अब इसमें हम थोड़ी सी बची है और काट लेते हैं। देखिए, ये करेला पूरे गोल पीसेस में कट चुके हैं सारे। अब इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच नमक, डालूंगी और इसके बाद मैं डालूंगी 1/4 चम्मच हल्दी। मैं हल्दी डालूंगी और उसके बाद मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी इसको। और इसको मैं आधे घंटे ऐसे ढककर मैं रख दूंगी। देखिए, मैं अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब मैं आधे घंटे ऐसे ढककर रख दूंगी। अभी इसके बाद मैं प्याज को कट कर लेती हूँ। ऐसे कट कर लेती हूँ सारी प्याज को। देखिए दोस्तों, प्याज मेरा सारा कट चुका है। अब इसके बाद मैं देख लेती हूँ। चलिए दोस्तों, देखते हैं, करेला आधे घंटे हो चुका है। अब इसको हम ऐसे लेकर इसमें से पानी ऐसे निचोड़ लिया करेंगे सारे करेले में से। ऐसे देखिए कितना पानी निकल रहा है। उसके बाद इसमें रखेंगे ऐसे सारे करेले का पानी निचोड़ लेंगे। ऐसे होता है कि नमक हल्दी डालने से ऐसा होता है, आधा घंटा रखने से इसका कड़वापन जो है निकल जाएगा। आप लोग कहते हैं करेला की सब्जी कड़वी होती है, मगर जो बच्चे नहीं खाते हैं करेला की सब्जी, बच्चे भी खाएंगे अगर आप लोग ऐसे बनाएंगे तो। देखिए, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए मैंने सारे करेले का पानी निकाल लिया है। आप लोग देखिए इतना पानी निकला हुआ है। अगर आप लोग ऐसे बनाएंगे तो करेले में कड़वापन नहीं रहेगा। अब हम कढ़ाई में तेल लेंगे। अब हम कढ़ाई में 4 चम्मच तेल लेंगे। 4 चम्मच तेल लिया है। अब उसके बाद हम तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब इसमें हम करेले में डालेंगे साबुत पिसा हुआ जीरा और इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया, धनिया पाउडर। एक चम्मच धनिया पाउडर डाल दिए और इसमें डालेंगे 1/4 हाफ चम्मच हल्दी पाउडर और इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच तेल। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हम करेले में सारे मसाले मिक्स कर लिए हैं। अब देखिए तेल गरम हो चुका है। अब हम गैस को धीमी आंच पे रख देंगे और थोड़ा देर तेल ठंडा होने तक वेट करेंगे। देखिए तेल थोड़ा ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे करेले फ्राई होने के लिए।
अच्छे से तेल में तल लेंगे, 3 से 4 मिनट। देखिए करेला हो चुका है, अब इसको हम निकालने जा रहे हैं। देखिए अच्छे से हो चुका है, देखिए हो चुका है। अभी हम इसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा और तेल लेंगे, 2 चम्मच। तेल ज्यादा हो गया था, 2 चम्मच तेल लेंगे और तेल को हम गरम करेंगे और इसमें हम डालेंगे साबुत जीरा। साबुत जीरा डालेंगे 1/4 हाफ चम्मच और इसमें डालेंगे अजवाइन डाल दिए, मिट्टी में हींग डालेंगे, थोड़ी सी हींग डालेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे प्याज को, प्याज का पेस्ट करेंगे, हल्को 3 से 4 मिनट इसको ढककर पकाएंगे और इसमें हम मसाला डालना भी जरूरी है। इसमें हल्दी डाल देंगे, इसमें 1/4 हाफ चम्मच हल्दी डाल देंगे और धनिया डाल देंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करके इसको ढक देंगे, ढक 3 से 4 मिनट तक इसको ढककर इसको पकाएंगे और एक दो बार इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। सॉरी दोस्तों, नमक डालना भूल गए थे, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब इसको हम भर देंगे। देखिए दोस्तों, 4 मिनट हो चुके हैं, अच्छे से प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं करेले को, करेला डाल देते हैं और इसमें डाल देते हैं कुछ हरी धनिया और इसको अच्छे से मिक्स कर और इसको 2 मिनट तक और ढक देंगे, ढककर इसको पका लेंगे। देखिए करेला बनके रेडी चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए करेला मैंने निकाल लिया है। देखिए अब इसको आप लोग चाहे रोटी से खा सकते हैं, चाहे पराठे से खा सकते हैं, चाहे चावल से खा सकते हैं। इसको अब बच्चे भी खा लेंगे, इतना कड़वा नहीं है। अगर आप लोग मसाला ज्यादा ही खाते होंगे तो आप लोग ज्यादा मसाला डाल सकते हैं। चलिए हम इसी पर अपनी वीडियो को खत्म करती हूँ और कल की वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। नमस्कार दोस्तों।